लक्ष्मी मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 लोग डूबे। पटना सिटी नदी थाना क्षेत्र की कच्ची दरगाह गंगा घाट पर बड़ा हादसा। लक्ष्मी मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 लोग डूबे, एक को बचा लिया गया, बाकी 2 लोगों का कोई भी अता पता नहीं है। अनिसाबाद से लोग आए थे मूर्ति विसर्जन के लिए, 2 लापता लोगों की खोजबीन जारी है। मौके पर परिजन पहुंचे, बीती देर रात की घटना। मतदान करने के लिए आए थे सर। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग अनिसाबाद से आए हैं, अनिसाबाद गोर मोड़ से। ठीक है, मूर्ति विसर्जन के लिए आए थे हम। मूर्ति को हम लोग मतदान कर दिए हैं, एक लड़का पहले कूदा, फिर चाचा और भतीजा दोनों कूदा कर दिया। ठीक है, तीनों अलग छित्राम हो गया सर। एक लड़का तो था मूर्ति को धर के कॉर्नर पर चला गया और 2 लड़का डूब रहा था। इसी प्रकार में हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया था, हम रास्ता लाने के चल गए। रास्ता जब फेंके तो दोनों नहीं रहा। ठीक है, एक आदमी को आवाज मिला, चिल्लाए जब 10-15-20 मिनट, एक आदमी आवाज दिया कि हाँ हाँ हम हैं, तो हम चल गए गांव में। कुछ नाव वाला को बुलाए, कुछ औरत बानी लेट जाए, हम तो यहाँ अनजान थे, कोई नहीं था। रात 9:45 बज रहा था। ठीक है, तो हम एक आदमी को निकाले, 2 आदमी को रास्ता फेंके, बस इतना ही दूर में। मतलब 3 लोग डूब रहे थे जिसमें से एक को बचाया गया। बाकी 2 लोग अभी भी लापता है। बीती रात की घटना है। हाँ, पटना 9:45 बजे की रात। कहाँ से आप लोग आए थे? हम लोग ब्योल मोड़ से आए, अनिसाबाद ब्योल मोड़ से। जो डूबे हुए उनका नाम क्या क्या है? उसका नाम है राजू, छोटू। छोटू, सभी लोग अनिसाबाद के। अच्छा, उतने दूर से क्यों आए हैं आप लोग? हम लोग आते थे सर, 4 साल अच्छी पे बैठा है, 8 साल। तो लगातार 4 साल से यही आते थे। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।